यूं तो इतिहास के पन्नों में साल का हर दिन हजारों अच्छी बुरी घटनाओं का गवाह रहता है, मगर आज 12 अप्रैल का दिन भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए देश दुनिया के स्वर्णिम इतिहास में बेहद खास जगह रखता है। आज ही के दिन 20वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व के लिए किसी वरदान से कम नहीं। नमस्कार, प्रदेश तक के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपका इस अनोखे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। April 12, 1961 मॉस्को में सुबह के 9:37 पर पूरा सोवियत संघ सांस थामे एकटक आसमान की ओर देख रहा था, मगर जैसे ही विस्फोटक एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया सभी की खुशियों का ठिकाना नहीं। इस क्षण जो हुआ वो इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार किसी इंसान ने अंतरिक्ष में कदम रखा। दरअसल प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसी देश का पहला अंतरिक्ष यात्री बनना गौरव का विषय है, वहीं अगर कोई व्यक्ति दुनिया का ही पहला अंतरिक्ष यात्री बनता है तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है। रूस के यूरी गागरिन के नाम यह उपलब्धि है। रूसी नागरिक यूरी गागरिन मात्र 27 साल की उम्र में पहले अंतरिक्ष यात्री के तौर पर आज ही के दिन अंतरिक्ष की अनजान अथाह दूरियां नापने निकले थे। 12 अप्रैल 1961 को 2 मीटर व्यास वाले छोटे से स्पेस क्राफ्ट में यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्री की बजाय महज एक साधारण यात्री की तरह अंतरिक्ष गए थे। इस ऐतिहासिक घटना ने सभी मानव जाति के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खोज दिया था। कंट्रोल रूम में हुए उनके संवाद के अनुसार अंतरिक्षयान की कैप्सूल विंडो में देखते हुए उन्होंने कहा, दुनिया से बहुत दूर यहां मुझे एक टीन के डिब्बे में बैठाकर पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। पृथ्वी पर बादलों की छाया मनमोहक दृश्य पैदा कर रही थी। यह अंतरिक्ष की रेस में अमेरिका को पछाड़कर सोवियत संघ की शानदार जीत थी। उनकी सकुशल वापसी ने तो इस जीत को निर्विवाद बना दिया था। हालांकि उस समय के सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के नाम इतिहास बनाने के लिए गागरिन ने अदम्य साहस दिखाते हुए अनगिनत अपरिचित और खतरनाक चुनौती स्वीकार की। जब उन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया था तब वहां जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी लोगों को नामुमकिन लगता था। इतना ही नहीं, वे ऐसे यान से वहां गए थे जिसमें किसी आपात स्थिति में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस दौर में किसी भी रॉकेट अंतरिक्ष यान संवाद उपकरणों पर लोगों को बहुत भरोसा नहीं था। अंतरिक्ष में मनुष्यों के जीवित रहने की को लेकर भी कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन गागरिन की हिम्मत और साहस के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो गया, जिसने अंतरिक्ष विमान में दुनिया के लिए नया द्वार खोल दिया। आज ही के दिन मिली थी पोलियो से जंग में बड़ी जीत। हम चर्चा करेंगे इसमें डॉक्टर साल के दिए बहुमूल्य योगदान की। दुनिया भर में फैली COVID-19 महामारी को हराने के सफर में कई ऐसी महामारियां याद आ रही हैं जिसे दुनिया में अपने प्रयासों से मात दिखाया और दूर कर भगाया। 12 अप्रैल का दिन भी एक भयंकर बीमारी के खिलाफ बड़ी जीत के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर जोनस सॉल्क ने साल 1955 में 12 अप्रैल को पोलियो के खात्मे की दवा ईजाद करके मानव जाति को इस घातक बीमारी से लड़ने का हथियार दिया था। इस समय सारी दुनिया के लिए एक डॉक्टर चुनौती बनी पोलियो या पोलियोमाइटिस, एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो वायरस के कारण यह बीमारी होती है। व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाला यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर हमला कर सकता है और व्यक्ति हाथ पैर या अन्य किसी अंग से विकलांग हो सकता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि पिछले 7-8 वर्षों में पोलियो से मुक्त हो चुका है, मगर दुनिया के कुछ हिस्सों में विकलांगता के कुछ ऐसे केस सामने आए हैं। 12 अप्रैल को ही शुरू हुआ भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन का पहला सफर और इसी के साथ आज भारतीय रेलवे की स्थापना को 129 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत की बात करें तो सन 1978 को 12 अप्रैल के दिन भारत की पहली डबल डेकर रेलगाड़ी उस समय के बंबई यानी वर्तमान मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे के लिए अपनी पहली यात्रा पर रवाना। भारतीय रेलवे के लिए आज का दिन बेहद खास है। उस समय इस ट्रेन को जनता एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, हालांकि बाद में ट्रेन का नाम बदलकर सिंहगढ़ एक्सप्रेस कर दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी भी भारतीय रेलवे द्वारा इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, यानी कि सिंहगढ़ एक्सप्रेस आज भी देश की जनता को अपनी सेवा दे रही है। 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ने वाले महाराजा रणजीत सिंह
जिन्होंने आज ही के दिन 12 साल की उम्र में संभाली थी पंजाब के शासक की गद्दी। जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होती है तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम लिस्ट में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को महासिंह और राज कौर के परिवार में पंजाब के गुजरावाल शहर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। इतिहासकारों के अनुसार उस समय पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा था। इन छोटे राज्यों या प्रदेशों को मिस्ल कहा जाता था और इन मिस्ल पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई भी बाहरी शक्ति बड़ी आसानी से इन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती थी। मगर रणजीत के शासक बनने के बाद उन्होंने सभी को एकजुट करने का कार्य शुरू किया। रणजीत सिंह ने अन्य मिस्लों के सरदार को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की और चेत सिंह की सेना को हराकर 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था। जब उन्होंने किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। महाराजा रणजीत सिंह एक अच्छे शासक होने के साथ साथ काबिल सैन्य कमांडर भी थे। उन्होंने उस समय की एशिया की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी सेना को मजबूत करने के लिए युद्ध में पश्चिमी आधुनिक हथियारों के साथ पारंपरिक खालसा सेना बनाई थी। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में पंजाब में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह 12 अप्रैल 1801 को एक बार फिर रणजीत सिंह की पंजाब के महाराज के तौर पर ताजपोशी की गई। 40 वर्षों तक के अपने शासन में उन्होंने अंग्रेजों को अपना साम्राज्य के आसपास नहीं भटकने दिया। उन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना गठित किया और सरपस्ती में पंजाब अब बहुत शक्तिशाली सूबा था। ब्रिटिश सरकार जेटी व्हीलर ने लिखा, यदि रणजीत सिंह का जन्म एक पीढ़ी पहले हुआ होता तो वे पूरे देश पर राज करते। वे खुद तो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड तक नहीं दिया। उन्होंने तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण भी कराया। इतना ही नहीं, रणजीत सिंह ने दशकों तक शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। हिंदुओं और सिखों को प्रताड़ित करने के लिए मुगलों द्वारा वसूला जाने वाला जाजिया कर हटाया था और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि कभी किसी सिख धर्म को अपनाने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूँ, इसलिए उसने मुझे एक आँख की रोशनी से वंचित कर दिया। ये गुड शब्द सभी धर्मों के साथ चलने वाले सिखों के लिए वीर मगर नन्हे योद्धा रणजीत के हैं, जिसका सही अर्थ अगर आज के सभी लोग समझ लें तो समाज में शांति स्थापित हो सकती है। दरअसल छोटी सी उम्र में चेचक बीमारी से चलते उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। दशकों तक शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।